मकान मालिकों से श्रद्धा को पत्नी बताता था आफ्ताब। इस इलाके में रहने से बसते थे दोनों। श्रद्धा का कत्ल कर 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब पूनावाला ने वसई में एक फ्लैट किराए पर लेने के लिए अपना परिचय उसके पति के तौर पर दिया था। वसई में कुछ वक्त रहने के बाद दोनों दिल्ली आ गए थे और यहीं पर 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा की जघन्य हत्या कर टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश के लिए मेहरौली के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया है। दोनों की मुलाकात 2019 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। इसके बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था। श्रद्धा के परिजनों ने इस अंतर धार्मिक संबंध का विरोध किया था, जिस पर गुस्सा होकर श्रद्धा घर से ही निकल गई थी। इन 3 सालों के दौरान वो ज्यादातर वक्त वसई में एक किराए के फ्लैट में रहे। इन लोगों ने एक रूम का फ्लैट नायगांव पूर्व में 2019 में लिया था। यहां मकान मालिक से उन्होंने अपना परिचय पति और पत्नी के तौर पर कराया था। रेंट एग्रीमेंट पूनावाला के नाम पर ही बना था, हालांकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और किराए पर फ्लैट देने से पहले कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया था। कोरोना की लहर के पीक के दौरान इन लोगों ने वहां से फ्लैट खाली कर दिया था। यही वजह है कि सोसाइटी के ज्यादातर लोग इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। अक्टूबर 2020 में श्रद्धा और आफ्ताब ने वसई के विजय विहार के रीगल अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिया था। यहाँ पर भी आफ्ताब ने फ्लैट मालिक से श्रद्धा को अपनी पत्नी बताया था। यहाँ उसने आधार कार्ड जमा किया था और अपने वसई स्थित घर का पता दिया था। यहाँ दोनों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हुआ था और दस्तावेज में श्रद्धा की तस्वीर भी लगी थी। फ्लैट मालिक ने कहा कि दोनों ने अपना परिचय पति और पत्नी के तौर पर कराया था। उनकी ओर से समय पर ही किराए और बिजली बिल आदि का भुगतान किया जाता था। श्रद्धा दहिसर के एक रिटेल स्पोर्ट्स स्टोर में काम करती थी, जहाँ पहुँचना वसई से आसान था। दोनों लोग वसई ईस्ट में ही रहते थे और वेस्ट में नहीं जाना चाहते थे। इसकी वजह थी कि दोनों के पेरेंट्स के घर वेस्ट में ही थे। बीते साल सितंबर में इन लोगों ने ये फ्लैट खाली किया था और फिर पास में ही कहीं चले गए थे। इसके बाद इसी साल मार्च में दिल्ली पहुंच गए थे। गौरतलब है कि इस हत्याकांड की पूरे देश में चर्चा हो रही है। श्रद्धा के पिता विकास मदन ने आफ्ताब को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है।